है वो सोचते हैं कि बाहर का जो कल्चर है, बाहर जो ड्रेसेज है वो ज़्यादा, मतलब जैसे बाहर से जो लोग आते हैं अंग्रेज वगैरह, वो हमारे इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। पार्लर है ये, तो आप लोग कृपया करके यहाँ पे आइए। जितने अपन संस्कृति, अपन पहचान, बल पहाड़ी छुमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलाग जय दियो जोत के हाल चाल राम सब ठीक ठाक होला। सही बोला ना मैंने कुछ समझ भी आया। तो गाइस अभी मॉर्निंग है तो इसलिए इसकी आंखें नहीं दिख रही है, धीरे धीरे दोपहर होते होते दिख जाएंगे, देखिए दिख रही है अब। तो आज मैं आई हूँ हल्द्वानी, कल आई थी मैं, जगह का नाम क्या है, लालकुआ आई थी मैं इनके वहाँ। दी है बसंती दी, उनका कौन सा पार्लर है, ब्लॉसम ब्यूटी पार्लर एकेडमी भी है। तो अभी ये तो एकेडमी तो बन रही है, मैं नीचे में है पार्लर, तो उनके वहाँ मैं कल रात को आई थी और आज मेरा जो है प्रोग्राम है तो वहीं जाना है अभी रेडी होके, तो इसलिए यहीं से रेडी होके जाऊँगी। और बताओ अभी क्या करूँ, कुछ तो कहे, थोड़ा तो कहे है, कुछ नहीं। कल मैं आई जब इतना शांत बैठा हुआ था, ये एक्साइटमेंट हो रही थी, थोड़ी हो रही थी, क्या हो गया, भावना दी तो है ना। चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, थम्स अप दिखा दे। तो ये इसकी छोटी बहन बड़ी बहन, अरे ध्यान नहीं दिया, तन्नू नहीं है ना, तन्नू नाम है ना। और तन्नू के गले में बहुत ही भयंकर लॉकेट देखा मैंने भी, महादेव का मस्त लग रहा है। कहाँ से लिया ये, मेरे को मेरे दोस्त ने दिया। सुन रहे हो मेरे दोस्त, मेरे को क्यों नहीं देते। लोगों के दोस्त इतना अच्छा गिफ्ट देते हैं। तो अभी हम लालकुआ में, ये ऊपर में एकेडमी बन रही है, जो भी मतलब प्रोफेशनल मेकअप का कोर्स सीखना चाहते हैं मैं बाद में बता दूंगी। ये जगह अभी तो बन रहा है, नीचे में पार्लर है ना, ऊपर में एकेडमी बन रही है। अच्छा उधर फैक्ट्री भी है, अब उत्तराखंड क्या एशिया की, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो, पेपर फैक्ट्री है ना। तो ये देखिए चारों तरफ मेरे कैमरे ही कैमरे है गाइस यहाँ। पर यहाँ पे उतना ठंड नहीं लग रहा, मैं अभी दिल्ली से आया ना, दिल्ली में भयंकर ठंड थी। ये देखिए यहाँ पे मस्त है यार वैसे ना। ये उतर गए हम नीचे, कहीं ब्लॉग बनाते बनाते भड़म गिरूंगी यहाँ से। वाओ ये इन्होंने ही कर रखे ना सारे मेकअप, वाओ नाइस। देख सकते हैं आप ये दीदी की फोटो, हंसते हुए खिलखिलाते हुए मस्त है ये। वी मेक यू मोर ब्यूटीफुल, थैंक यू यार, बहुत बड़ा काम करा है आप लोगों ने। ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, एचडी मेकअप, नेल एक्सटेंशन, क्या ये आईलेस एक्सटेंशन, हेयर वहाँ पर इतना सारा। सही है यार, मैंने इनको स्टार्टिंग से देखा था जब सीख रही थी और अब बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुकी हैं। ये वाली फ़ोटो तो बहुत वायरल हुई थी इनकी ना, मस्त करा है सारा मेकअप इन्होंने। मेरी तस्वीर भी है यहाँ गई, पर मेरी तस्वीर अंदर है। ये इनकी मम्मी है, देख रहे हो, ये इनकी मम्मी है और ये संतूर मॉम है शायद से। हाय हाय गाइस, व्हाट्स अप, हेलो, तगड़िया कर दो यार, जीप दिखा रही है, नॉट इंटरेस्टेड। अभी इनके नाक से धुआं निकल रहा है, बीड़ी पी रही है ना, बीड़ी देखना धुआं निकल रहा है नाक से, तुम्हारी गाय बीड़ी पीती है यार, बताओ। गाइस ये अपना सारा बिजनेस दिखा के रहेगा मेरे को, अभी बोल रहे हैं हमारे पास भैंस भी है, अभी पार्लर दिखाया, फिर गाय दिखाए, फिर अपने खेत दिखाए और उसके बाद अब भैंस दिखा रहे हैं अपने। तो गाइस लॉट्स ऑफ बिजनेस, यू नो फैला हुआ बिजनेस है इन लोगों का यहाँ। गाइस कोई भी पंगा मत लेना मुझसे, ठीक है, देख रहे हो बॉडी बनती है रोज, एक ही हाथ से बनाती हूँ, एक ही हाथ से थप्पड़ मारती हूँ। कितने किलो का है पता है, 150 किलो का तो होगा ही ना, नहीं तो पता नहीं, अरे झूठ बोल रहे हैं, हाँ बोल ना। यार स्क्रिप्टेड होता है यार सारा व्लॉग, तो मैं पता नहीं है। तो गाइस दूसरे हाथ से बना रही, दूसरे हाथ से मुक्का मारूंगी। ले अब तू कर, छोटा भीम भी है मेरे साथ, मेरी टीम में पूरा हाथ ही दिया, ये तो यहाँ तक ही करने जिम ट्रेनर।
तो आप लोग मेरी एकेडमी में आ सकते हैं, मैं जिम ट्रेनिंग भी देती हूँ। तो गाइस देख रहे हैं आप लोग, ये किसके फोटो है समझ नहीं आ रहा है, कौन है जानते हो क्या? मेरी फोटो नाइस। जब इन्होंने लगाया था सबसे पहले यही लगाए थे ना, ये वाले ये नहीं थे ना तब, ये वाले लगाए थे, मस्त लग रहे हैं। तो अभी सुबह से मैंने जितना भी दिखाया पूरा वो उनके मालकिन ये हैं जिनका ये पार्लर है। दो साल से बोल रहे थे आप लोग आप मेरे को यहाँ, दो साल से ज़्यादा हो गया मेरे, अब जाके मतलब भावना फाइनली आई है। टिकटॉक टाइम से फैन हूँ मैं इनकी, नहीं फैन तो नहीं है, फैन नहीं बोल सकते आप। अच्छा बॉन्ड है पार्लर में रेडी करके ऐसा मत बोलो यार फिर यहाँ से जो है मैं प्रोग्राम में जाऊंगी तैयार होके इंसान बन के। हम जाएंगे गोला, गोला या गोला पार, अच्छा दोनों अलग अलग है, गोला तक जा रहे हैं। हाय, इनसे मैं मिली हूँ पहले बट मेरे को याद नहीं है, पर हाँ इनको याद है शादी में मिली हूँ हल्द्वानी में। और अभी हम ये नदी नदी के बीच में चल रहे हैं पर नदी में पानी नहीं है, हम ही हमें नदी में पानी नहीं है, पर मछली आया इस नदी में, कहाँ है आगे पानी में उसमें है, बहुत छोटा सा है वो एरिया, छोटे छोटे भाई इसको मछली दिखी है आज क्या बोलते हैं उसे, गैणा गडेरी गैण बोल रही हूँ। छोटी छोटी थोड़ी बड़ी तो होगी, तो अभी ये नदी पूरी आई नहीं है, डैम खुलेगा तभी आएगा ना यहाँ पानी, डैम का पानी आता होगा, डैम का और बारिश में पहाड़ों का सारा पानी भरी आता है। अच्छा, तो ये पूरे एरिया में वहाँ से लेकर वहाँ तक पानी पानी होता है, अभी सिर्फ इतना ही पानी है। पटाने उड़े हाय हाय कर दियो, हाय दगड़ियो इसको जानते हो तुम, भावना चिखाड़ में जो पहाड़ी गाने में बहुत फेमस है, पहाड़ी घास काटने वाले नहीं जानते यार उतने ना, अपने काम में लगे रहते हो मैंने। तो गाइस अब यहाँ पे मेरा रूप चेंज होगा थोड़ा, और एक और यहाँ इनकी स्टूडेंट आई है, सुबह सुबह आ गई, इनको पता चला मैं आ रही हूँ, टन 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 भग के स्कूटी में सही बोला ना, और मेरे लिए चॉकलेट भी लेके आई है। गाइस अभी मेरे बाल ना हेयर वॉश हुआ है, अभी ड्रायर हो रहा है। फ्यू मिनट्स लेटर, तो दगड़ियो रेडी हो चुकी है, अब खा रही हूँ पोहा, और अब जो है चलते हैं हम, ये लड़की रील कौन सी रील में गाना बनाना है ढूंढ रही है इतनी तो ये है दी का पार्लर, ऊपर भी बन रहा है एकेडमी और पार्लर भी ना यहाँ पे बन रहा है, ये स्टूडेंट है उनकी और अंदर भी आई कम ऑन गर्ल। देखिए आ जाओ अंदर ब्रो, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, इधर इधर स्वागत है आपका, क्या नाम है पार्लर का? ब्लॉसम, ब्लॉसम ब्यूटी पार्लर सैलून मेकओवर में, धन्यवाद। कोई बात नहीं, फिर मैं तो दीदी हूँ ना, मैं तो दूंगी। तो दगड़ियों आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा पार्लर है, तो आप लोग कृपया करके यहाँ पे आइए, जितने भी लोग यहाँ इस एरिया में रहते हैं और हल्द्वानी में भी, यकीन नहीं हो रहा मेरा पार्लर, तो ये देखिए फोटोज भी लगे हैं। बाय।
कुमाऊनी भाषा में कहानी संग्रह लिखी जाने नाट्य संग्रह लिखी जा चंपू शतकम लिखी जा किन हाँ अपन भाषा में लेकिन वही होने की भैरवपुर की दाव बराबर अपन चीज का कोई उत्तर बढ़िया नहीं देखा हम सिर्फ ध्यान और ध्यान देखो आज तुम सबका शो देखने आ रहे श्रद्धा देने के बाद जोरदार ताली बजाने का ब्रिगेडियर धीरेज जोशी जी ने जो कहानी संग्रह छे कुमाऊनी भाषा में श्रद्धांजलि ब्रिगेडियर धीरेज कुमाऊनी परिधान प्रसार प्रचार जी पिथौरागढ़ बेटे हमारे बीच में आ रहे
भावना चुफान। एक बार जो भावना चुफान जी का स्वागत कर धन्यवाद ज्ञापन कर हमारे पहाड़ पर हमारे आन मान शान भारत पर धर्म और योग गौरव एक सौर हाथ का धर्म का एक स्मृति चिन्ह जिला हमारे घर है सदा हम आप सबका सम्मान में उचित व्यक्त कर रहा हूँ। तो भावना चुका एक बार जोरदार ताली बजा दे एक बार आप फिर स्वागत करते हैं नहीं स्क्रिप्ट जैसे आप ब्लॉग में लगते हो। हाँ वीडियो के लिए आप बोल रहे थे कौन सी वीडियो आपको पसंद है बुबू लुक वाली बुबू लुक वाला तो फर्स्ट मैंने देखा था उसी में आपको बुबू लुक वाला हाँ। वहीं से मैं आपकी फैन बनी हूँ और आप जितनी खूबसूरत वहाँ दिखती हूँ मेकअप में और आज सिंपल मेकअप में उससे ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो आप। थैंक यू और मेरा आपके लिए ये शुभकामना है आप खूब उन्नति करो और आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब इतनी पॉजिटिविटी मिली आपसे इतने अच्छे कंटेंट लाके सबका मनोरंजन करो और खूब आसमान की ऊंचाइयों को छू खूब आशीर्वाद। थैंक यू थैंक यू। कोई हिसाब नहीं मतलब वो कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है। अरे अरे भैया जो है मैं खबर बना रहा हूँ और तूने इतना जोर से चलाएगा मोहनदा का है तो मोहनदा हमारे साथ अभी उत्तराखंड की जो जाने मानी हस्ती है या फिर सोशल मीडिया में आपने इनको जरूर देखा होगा भावना चौहान आप नाम से तो पहचान गए होंगे तो चलिए आपको उनके दर्शन भी करा दिए चलते हैं वो मौजूद है चलिए उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की है क्या उनका अनुभव आज कार्यक्रम का रहा है। नमस्कार मैम आपके सभी दर्शकों का नमस्कार मैं वहाँ मौजूद है जो ये कार्यक्रम हुआ था युवाओं को भाषा से जोड़ने के लिए हुआ था आपको क्या लगता है कि युवा कहाँ पिछड़ा है भाषा से बतूंगी मतलब आज जो जनरेशन हो क्या कह पहाड़ी में बोलूँ आज जो जनरेशन हो और फिलहाल जो हिंदी में नंद जगाड़ ले हिंदी में बात करना सब टूल तो मेरी जो एक जो कमी है पहाड़ बोलते हैं सबसे मेरा क्योंकि उन्नी वाला जनरेशन पहाड़ का सबको है कि पूरा माहौल को मैं नंदनगर पहाड़ में बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो हिंदी इंग्लिश और भाषा स्कूल में सीखी जाती है पर पहाड़ भाषा का माहौल आपको क्या लगता है कारण क्या रहता होगा कि जो युवा है पिछड़ जाते हैं अगर हम पंजाबी की बात करें वो पंजाबी जानता है चाहे वो कहीं भी रहे हरियाणवी हरियाणी जानेगा लेकिन जो पहाड़ी है वो क्यों पिछड़ जाता है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज के वर्ड्स बहुत डिफरेंट है हर थोड़े थोड़े एरिया में जाके ना गढ़वाल में अलग कुमाऊं में अलग बट पिछड़ क्यों जाते हैं ये रीज़न फैमिली बीच में वो है कि फैमिली जो है घर में बच्चों के साथ आजकल हिंदी में ही बात करते हैं जैसे मेरी है मतलब पहाड़ी नहीं आती थी मेरे को ये मैं रही हूँ बचपन से पर मेरे घर वालों को जब मैं गाँव गई तो हाँ सब पहाड़ी में बोलते थे हमें समझ नहीं आती फिर दिल्ली आए हम तो मेरे पापा मम्मी को ये लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा कि मतलब गांव जाके जब हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं तो उन्होंने एक वो बनाया कि इनसे फिर मैं जो है पहाड़ी में बात करेंगे स्कूल में या हिंदी इंग्लिश सीख लेंगे तो वहाँ मिली नहीं आप पहाड़ में और ये सम्मान ले मेरा पहाड़ भाषा ऊपर तो जैसे कि आप अभी आपको बहुत सारे युवा सुन रहे होंगे उत्तराखंड से भी उत्तराखंड के बाहर से भी उत्तराखंड वासी तो युवाओं को आप क्या कहना चाहिए तो अगर सोशल मीडिया से लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं तो आप अगर उस प्रकार से इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं भाषा के लिए तो कैसे जैसे सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो कि लोग जो है बाहर के ट्रेंड्स को ला रहे हैं मतलब जैसे हमारा कल्चरल है अपनी कल्चरल चीज़ों को दिखाने में लोग आजकल जो है वो सोचते हैं कि बाहर का जो कल्चर है बाहर जो ड्रेसेस है वो ज़्यादा मतलब जैसे बाहर से जो लोग आते हैं अंग्रेज वगैरह वो हमारे इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं तो ऐसे जो बाहर के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं मतलब पहाड़ में रहते हैं वो बच्चे जो हैं बट वो बाहर के कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं तो वही चाहती हूँ कि अगर अपने मतलब कल्चरल चीज़ों में जो मतलब अच्छे से बनाए रील्स वगैरह जो भी बना रहे हैं सारी चीज़ें कारण आपको क्या लगता है कि बाहर क्यों जाना पड़ता होगा युवाओं को रोज़गार कैसा कारण है रोजगार भी कारण है बहुत सारी चीज़ें हैं पहाड़ में बहुत सारी सुविधाएं नहीं है अगर सुविधाएं होती हैं तो उत्तराखंड में काफ़ी आगे बढ़ सकता है बहुत आगे क्योंकि यहाँ पर बच्चों में बहुत टैलेंट है बहुत ही बहुत ज़्यादा टैलेंट है हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होते हैं यहाँ के आर्मी के अलावा भी बहुत सारे टैलेंट हैं। शुक्रिया मैम तो दगड़ियो हमारा कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर आ चुका है और इनको आप जानते होंगे नहीं जानते हो जानते कोई नहीं जानता बहुत सारे लोग जानते होंगे इनकी क्या बोलते हैं मैं टिकटॉक में आपके वॉइस में रील बनाया मैं तब से जानता हूँ जब टिकटॉक चला था
और उत्तराखंड की नंबर वन स्टार थी भावना, उसमें टिकटॉक स्टार, 1 मिलियन फॉलोअर थे। तो भावना ने मेरी 2-3 ऑडियो में वीडियो बनाई थी जब गर्लफ्रेंड वाली चलती थी, आलू भी वाली, आलू भी और पैरासिटामोल वाली भी, और एक भावना के साथ, पैरामोल में भावना के साथ मैंने रिमिक्स भी किया था फर्स्ट टाइम, वो कौन सा गाना था, आंख ही नहीं मार भावना। कैसा लगा आपसे? बहुत अच्छा लगा। बस सबसे बड़ी बात है ना, काफी लोगों से मिलता हूँ, भावना जो है सबसे मिलनसार है ना, चाहे कितने बड़े बन जाओ लेकिन ऐसे ही रहना। मैं गाइस तारीफ हो रही है, सुनो तो बहुत अच्छा, मतलब डाउन टू अर्थ जो कहना चाहता हूँ, जमीन से जुड़े, जमीन पे बैठे अभी। और इनके साथ में इनको भी देखा होगा मैं एकदम बढ़िया, आप लोग ये इनको भी जानते होंगे, ये तो काफी स्टेजेस में दिखते हैं, इनको इनके पास सारा सामान है, बराती बराती सब रेडी है, क्या बोल रहे थे आप, ज्वेलरी चाहिए उनको, सब रेडी छू, बराती रेडी है, बैंड के पास रेडी छू, सब रंग चून वगैरह सब तैयार, सबको न्यूल दी है लो, बस ब्योली मिल रहे, हाँ तो गाइस ब्योली ढूंढ देना इनके लिए, सर जो भी ले रहे हो दो लेना। थैंक यू सर, धन्यवाद।